Hey guys, what's up? कैसे हो आप? Welcome back to my YouTube channel, guys. I hope आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से होंगे. देख रहा हो धन्नो स्टार्टर. अरे यार, मैं सो क्यों डाउन लो, लेट सोया था यार. 1:30 बज गया था मुझे सोते हुए और अभी उठा जस्ट. जैसे ही उठाओ तुरंत गया हूँ बाथरूम, आया हूँ तुरंत, फिर उसके बाद से हाथ पैर धोके मस्त इनर पहना हूँ. अंदर लोअर ऐसा है यार कि इतना टाइट है ये छोटा सा कि देख रहे हो. ये देखो इतना छोटा कि नीचे इनर पहन ही नहीं पा रहा. फिर भी कैसे भी करके अड़सा लिया हूँ और इसमें भी इनर पहना हूँ. आधी बाकी है लेकिन चलो कोई बात. बस फटाक से निकलते, लेट हो रहा है 7:04 पर. और आके आपसे मिलते हैं फिर. तब तक बने रहिए ब्लॉग में, आज मजा आएगा. और सपोर्ट करो यार गाइस, सब्सक्राइब करो. बाकी रोज का प्रोटीन तो है ही, खाने का कोई मतलब नहीं है, मैं बताऊंगा कभी. सवेरा तो मैं जो शुरू. बाकी मौसम देखो कितना लालहार है, पूरा तोड़ के चिकन करिए. अरे थम जा दोस्तों, मैं आया मदरसा. जैसा कि देख सकते हो ब्रो, अपन मदरसा आया है. और अरे यार, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोने ही नहीं देते वे. मतलब यार, कितना भी बंदा कहे कि यार मैं थका हूँ, मेरे पे नहीं है बात करने का मन, नहीं बात करना है तो करना है. इतना हरामी दोस्त होते हैं बे, बिना मतलब के जगा के रखे. मतलब मुझे नींद आ रही थी, 8 बजे रूम पे पहुँचा था, मुझे नींद आ रही थी लेकिन ये सोने नहीं दिए. बताओ यार, ऐसे ऐसे लोग हैं भाई. नहीं है मेरे में एनर्जी, मैं नहीं कर सकता. नहीं करना है, क्या करे, क्या कहाँ जाए, कहते भोसड़ी के. तो आए हैं यहाँ से, लेंगे फिर जाएंगे सुलेमान को लेंगे, फिर वहाँ से आज बाबा को लेने जाना. बाबा कल रात में कह देते अजमल 1:30 बजे आ जाना मेरे दवाम पे, हमका ठीक. तो आज जाएंगे बाबा को लेने के लिए. और यहाँ से जाने के बाद तुरंत नहाएंगे पहले रूम पे, नहा वहा के उसके बाद से टाइम रहा तो खा लेंगे. 12:30 तो बच जाता है रूम पे जाते जाते. गुरु नहा धो के निकलो, उतने खा नहीं पा. अरे 1:30 बजे निकलना है, खा लेंगे खाना वाना तो खा लेंगे. मिलते हैं गुरु. सेब खा रहे थे, काट के दूध को लेके आए, दूध सेब वही खा रहे थे, बड़ा मज़ा आया. मिलते हैं गुरु कुछ देर के बाद, बने रहो ब्लॉक में. सो गया था यार, आँख लग गई थी मेरी. मैं 2:30 बजे सोया था और 3:20 पे मेरी आँख खुली. मैडम का मैसेज भी आया था कि सिकोया ले ले अजमल, उसमें 3 बैग रख ले बड़े बड़े और ले जाके देना उधर मनार घर पे. लेट भी हो रहा है यार, देखो ये सारा भी इतने धीरे धीरे चल. सोया नहीं था ना यार, इसकी वजह से आँख लग गई. 1 घंटा सो लिया ना, बहुत है 1 घंटे. जा रहा हूँ सुलेमान को भी छोड़ना, लेट पर लेट हो रहा है. इतने टाइम तो वहाँ सुलेमान के घर पे होता, मैं उसको लेके रास्ते में होता. लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये बड़ी माँ है, भागती सना ना तीरी फिरी बहुत तेज. चल के वहाँ पे उतारूँगा सटाक से, बुझाऊँगा फटाक से, लेके जाऊँगा, छोड़ूंगा इसको. सेहत देख रहा हूँ, सेहत मेरी ना सोने से ही ख़राब हो रही है बस. और बाकी तो खाने पीने में तो नहीं कोई कमी है. अरे काम जब करे पड़ता ना, एकदम बढ़ जाती कसम खुदा की, बढ़ के आग हो जाती. लेकिन मजबूर आदमी करे पड़ी. चलो कौन बात नहीं, हमसे कहो थी मैसेज करके अजमल, और जो गर्म करे वाला ना होता, जो गैसवा होता, गैस बड़ा खूनिया, वह 4-5 रुपये पहले वाला था. कहती अजमल तू उठा सकते है के, उठा ले पे तो उठा. गम करे तेरी माँ कहीं तनिको समझ में ना हो रे,
क्या कैसे कैसे क्यों उठाए यार अकेले, हम सोच कैसे ले इसके हम उठा लो, हम कन कह रहे हम जो बोले सो पम है तेरे करके भेजे कहते जुबैर के बुला ले और फिर मनार के घर पहुंचा देवे हम कन ठीक जुबैर से कहे हन कहते ना आई थन अब आवे तो फिर लेके चली जा जाके पहुंचा दीजिए भैया अपना काम करे तो कोनो मुश्किल ना जब ये काम करे पड़ जाता तो दिमाग में खराब हो जाता समझ गए गुरु ऐसे ही चली ना भैया जी एक बार छेड़ब बात ऐसे ही चली तो भैया मास मौसम देखो गुरु मौसम देख रहो बादल बादल बहुत ही खतरनाक बादल हुआ है गुरु बाकी हम आज चला रहे हैं यही वुमेन वुमेन की कार बाकी मौसम तगड़ा बना था बादल उदल अच्छा लगा था धन्नो और ब्रेसलेट और गिर गया रहा वो भी गाड़ी में भुला गया अनाज मिला पूरा सामान ले जाए पड़ी यार कहा थी कि लेके आओ जुबैद के और बेड उड़ जाए हम खोल के लेके आए के ले के चलवे दूर गाड़ी में रख दिए सब गड़ी हम लेके चलवे गड़िया तू मजे का टाइम लग जाए और जात के बड़ा मेहनत करे पड़ी अगली बार तो किए रह जाते देख दिए रही पैसा वो बेरी देती कि ना देती दे इंशाल्लाह एकदम थक जाता आदमी यार कसम से पागल हो जाता एकदम आखिरी आदमी है गुरु इतना भीड़ इतना भीड़ का बताए हम कहला था कि मजितिया में आज कुछ बटाई बुक करी बुढ़िया कहती कि बहुत अमीर उमीर है हमसे पता ना क्यों पता ना बाप कहाँ कहे समझ में ना आवा लेकिन इतना समझ में आओ कि कुछ हो कहती कि प्रोग्राम है किसे कुरान उरान खत्म होती ना तब के दाम करना लेकिन गुरु बहुत भीड़ है यार बहुत हद है यार कौन हर जगह ही हर इशरबा हर दौर एकदम सुरता खड़े हैं ताना एकदम ताना क्यों टीम से फिर ना कर भाई चला जाए अपने का अपना मजदूर आदमी चल के खटा देखा का करत हम लोग चल के हमू करी अब उन लोग से तीनों जानी में हम ही सबसे सीनियर हैं तब हम ही कुल देखे सही पड़ी जैकेट तो हम ना लेके आने यार गुरु ठंडा तो लगी जरूर इतना ज्यादा सामान निकाल के रखे हैं जा इन बहुत बाकी इनका सामान और रखा उतने में क्यों ना क्यों बोला ले था जा सामान जा बोला सामान रखा अरे उनके बोला उनके लेके जाके छोड़ा उड़ा अब जाए मिसाइल बोला ना उनके उनके छोड़ के फिर हम आई अरे इनकी मैया कब सैया मारो उनका दिमाग खराब कर गया आवाज बैठ गया गुरु दाव यार इतना देरी से तेरा इंतजार कर दिया तो तू मुआ दे ठंडा में तो मेरी तेरे मर्जी भैया आओ जल्दी यार भाई यार 12 बज गया बड़ू सवेरे मदरसा आज कब से 4 बजे से बंदा लगा कसम खुदा की एकदम एनर्जी ना लेकिन माधर चुदन की तनिक कुछ समझ में ना हो और से खत्म बा पता चल गया खत्म बा तुरंत इनका मैसेज आएगा आज मल आई हम खाना ना खा कहते ठीक है जो खा ले हम कहना आई थे गाड़ी देब गाड़ी फिर जुबैद हम गिरा के छोड़ी हम अपन गाड़ी लेब महत्ता जी खेब तब अच्छा ठीक है चल मतलब यार एकदम इंसानियत नाम का चीज ना कि बंदा मर जाए करी माँ की बुढ़ चुदो ना कि समझ में ना होता अबे गाड़ी का पात्र हम सो बिड़ू तब हम गाड़ी देते ना तेरे गाड़ी ना देते हम सो गाड़ी का पात्र बहुत सड़ी बात है क्या ले दोस्तों मैं यार अभी आया जस्ट खाना उन्हें खा के जुवैद को रूम पे छोड़ के फिर अब भी मैं खाली हुआ तो इस ब्लॉग को मैं एंड करते दोस्तों कल और आज बहुत थक गया हूँ आज क्या हुआ है मैं कल के ब्लॉग में बताऊँगा तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और कल मिलते दोस्तों आज ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं मैं बहुत थक गया हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत काम करके हाथ देख रहा एकदम लाल हो गया और ये सब दर्द कर रहा है ऐसे करने पे तो कल मिलते दोस्तों माशाल्लाह चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो।